नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी 10 फिल्में और वेब सीरीज जो आपको लॉकडाउन में देखनी चाहिए दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। लेकिन आप क्रिकेट को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि लॉकडाउन ने जब सबको घर में कैद कर दिया है तो यह तरह से मौका भी है कि हम अपनी पसंद की कुछ चीज़ें सीख ले, देख या पढ़ ले। क्रिकेट के शौकीनों के लिए दूरदर्शन से लेकर अन्य टीवी चैनल पुराने मैचों का प्रसारण कर रहे हैं, वे एक बार फिर अपने पसंदीदा मैचों का आनंद ले सकते हैं। खेल प्रेमी लॉकडाउन में इस मौके का फायदा उठाकर कुछ फिल्में भी देख सकते हैं जो क्रिकेट पर आधारित है। बात फिल्मों की चली है तो हम बता दें कि क्रिकेट पर मूवी 3 तरह की बनी है। पहली किसी क्रिकेटर की जिंदगी पर आधारित, दूसरी किसी टीम या घटना पर आधारित, तीसरी काल्पनिक। पहली तरह की मूवी में सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और मोहम्मद अजहरुद्दीन पर आधारित बायोपिक को शामिल किया जा सकता है। दूसरी तरह की मूवी में लगान और फायर इन बेबोलिन शामिल है। तीसरी तरह की मूवी में इकबाल अव्वल नंबर पर शामिल है। हम यहाँ उन फिल्मों या सीरीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो मनोरंजन होने के साथ जानकारी भी लेकर आती है। पहली मूवी है लगान। लगान बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है। आमिर खान की यह मूवी ब्रिटिश काल पर आधारित है। फिल्म में एक गांव के लोगों को सूखा पड़ने और अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध में लगान देने से इनकार कर देते हैं। अंग्रेज इसके बदले में उनसे मैच खेलने को कहते हैं। इस मैच की शर्त थी कि यदि गाँव वाले जीत गए तो लगान माफ हो जाएगा और यदि हार गए तो दोगुना हो जाएगा। गाँव वाले जीत जाते हैं और लगान माफ हो जाता है। दूसरी मूवी है फायर इन बेबोलिन। यह डॉक्यूमेंट्री वेस्टइंडीज को 1970 या 80 के दशक का सफर है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक मनोरंजन करने वाली लेकिन नाकाम टीम विश्व विजेता बनती है। क्रिकेट प्रेमी जानते हैं कि 1960 के दशक में वेस्टइंडीज की टीम को बहुत ताकतवर नहीं माना जाता था, लेकिन 1970 के दशक में क्लाइव लॉयड के कप्तान बनने के बाद टीम का कायाकल्प होता है। विवियन रिचर्ड की कातिलाना बैटिंग और तेज गेंदबाजों की खौफनाक गेंदबाजी ने इस टीम को ब्लैक प्राइड दिलाया था और फायर इन बेबोलिन में कैरेबियाई टीम के इसी सफर को दिखाया गया है। तीसरी मूवी है द एसिज, द ग्रेटेस्ट सीरीज। एसिज सीरीज की सबसे पुरानी क्रिकेट सीरीज है जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेली जाती है। 2005 में यह सीरीज इंग्लैंड में खेली गई थी। सीरीज से पहले ग्लेन मैकग्रा ने दावा किया था कि ऑस्ट्रेलिया वह सीरीज 5-0 से जीतेगा, लेकिन इंग्लैंड ने गजब का खेल दिखाया। उसने सीरीज में पिछड़ने के बाद गजब की वापसी की, वह भी तब जब मेजबान टीम के आधे खिलाड़ी नए थे। वे पहली बार यह सीरीज खेल रहे। द एसिज द ग्रेटेस्ट सीरीज देखकर आप अनुभव करेंगे कि क्यों ज़्यादातर क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट को आज भी बेस्ट मानते हैं। चौथी मूवी है बॉडी लाइन। बॉडी लाइन 7 पार्ट की एक सीरीज है जो आपको डॉन ब्रैडमैन की महानता का अनुभव कराती है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि यह फिल्म ब्रैडमैन की महानता दिखाने के लिए नहीं बनी है। इसे बनाने का कारण तो यह बताना था कि 1930 के दशक में ब्रैडमैन की दहशत ऐसी थी, इंग्लैंड को बॉडी लाइन गेंदबाजी के लिए मजबूर होना पड़ गया था और इंग्लैंड के कप्तान डगलस जॉर्डिन ने ब्रैडमैन के प्रहार से बचने के लिए बॉडी लाइन टैक्सिस अपनाई थी। इसमें गेंदबाज राउंड द विकेट गेंदबाजी करता था और निशाना बनाता था। इस टैक्सिस को खेल भावना के विपरीत माना गया। बाद में कुछ नियम भी बदले गए ताकि ऐसी रणनीति दोबारा ना बनाई जाए। पांचवी मूवी थी डेथ ऑफ अ जेंटलमैन। डेथ ऑफ जेंटलमैन एक डॉक्यूमेंट्री है जो किसी टीम पर आधारित नहीं है, लेकिन क्रिकेट की राजनीति समझने के लिए यह बेहद अहम है। साल 2014 में भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने अपने दबदबे का इस्तेमाल करते हुए ICC में विशेष स्थान हासिल कर लिया था। इसके तहत इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की कमाई का बड़ा हिस्सा इन तीनों देशों के क्रिकेट बोर्ड को मिलना था, बाकी बचा हिस्सा अन्य देशों का बांटा जाता था। इस तरह से ICC ने एक तरह की असमानता कानूनी रूप में दे दिया गया था। और हालांकि भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का तर्क था कि क्योंकि सबसे अधिक कमाई उनके जरिए होती है, इसलिए उसका बड़ा हिस्सा भी उन्हीं को मिलना चाहिए, ना कि इसे बराबर बांटा जाना चाहिए। छठी मूवी थी द टेस्ट अ न्यू एरा फॉर ऑस्ट्रेलिया टीम। सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अर्श से फर्श पर उठने की कहानी है। साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर बॉल टेम्परिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। नतीजा टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ, उप कप्तान डेविड वार्नर समेत 3 खिलाड़ियों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। कोच ने
इस्तीफा दे दिया था। टीम जीत से हार के रास्ते पर चल पड़ी थी। बदनामी हुई सो अलग, लेकिन इस टीम ने एक साल भी भीतर गजब भी वापसी की। वह विश्व कप के सेमीफाइनल तक पहुंचे और एशिज सीरीज भी ड्रॉ कराया। इस डॉक्यूमेंट्री में यही दिखाया गया है कि ऑस्ट्रेलिया कैसे तमाम बाधाओं को पार कर पुराना मकाम हासिल कर सका। सातवीं मूवी है हैंसी। हैंसी क्रॉन्ने क्रिकेट में जब भी मैच फिक्सिंग की बात आती है, दक्षिण अफ्रीका के इसी क्रिकेटर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। एक तरह से हैंसी ऐसा पहला कप्तान था जिसने पहले साथी खिलाड़ियों को मैच फिक्स कराने के लिए प्रेरित किया था। हैंसी इसी आधार पर फिल्म है। वैसे तो आपको कई खिलाड़ियों पर आधारित बायोपिक मिल जाएगी, लेकिन उनमें से पहले इस मूवी को देखा जाना चाहिए। यह मूवी खिलाड़ी खेल या मैच फिक्सिंग से भी ज़्यादा इस बात को दिखाती है कि आखिर वो कौन से लालच या परिस्थितियाँ थी जो एक खिलाड़ी को अपने ही देश से धोखा करने को मजबूर कर देती है। आठवीं कोई मूवी नहीं है, सीरीज है, रॉर ऑफ द लायंस। रॉर ऑफ द लायंस चेन्नई सुपर किंग्स का सफर दिखाती है। पांच पार्ट की यह वेब सीरीज चेन्नई सुपर किंग्स के बैन होने के बाद की कहानी कहती है। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में दोषी पाए जाने के बाद इसी टीम पर 2 साल का बैन लगाया गया था। ना सिर्फ टीम बल्कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी शक के घेरे में थे, लेकिन समर्थकों ने टीम का साथ नहीं छोड़ा और 2 साल बाद यह टीम बैन से लौटी और चैंपियन बनी थी। नौवे नंबर पर आती है इनसाइड एज। इनसाइड एज एक वेब सीरीज है जो क्रिकेट के पीछे सच को दिखाती है। इसमें दिखाया गया है कि एक टीम को बनाने में उसके मालिक, बोर्ड और क्रिकेट की क्या भूमिका होती है। दिखाया गया है कि सट्टेबाज किसी मैच को कितना प्रभावित कर सकते हैं। वेब सीरीज में मुंबई मावरिक्स नाम की काल्पनिक टीम के माध्यम से यह दिखाया गया है कि आम दर्शक क्रिकेट को जितना जानते हैं और समझते हैं, यह खेल उससे कहीं अधिक गहरा होता है। पर्दे के पीछे के क्रिकेट को समझने के लिए यह दिलचस्प वेब सीरीज है। दसवीं मूवी है इकबाल। इकबाल एक गूंगे लड़के की जिंदगी पर आधारित मूवी है। वह बोला या सुन नहीं सकता, लेकिन भारतीय टीम में खेलना चाहता है। पिता को उसका सपना असंभव लगता है और इस कारण वह उसे क्रिकेट की बजाय घर के काम में हाथ बटाने को कहते हैं। लड़का अपनी जीत पर अड़ा रहता है। एक दिन वह रिटायर्ड क्रिकेट कोच से मिलता है जो उसका सपना साकार करता है। यह पूरी तरह से मसाला फिल्म है, लेकिन काफ़ी अच्छी है और क्रिकेट फैंस को देखनी चाहिए। इस फिल्म में कपिल देव भी कैमियो रोल में नजर आते हैं। रियल लाइफ पर आधारित मूवी की बात करें तो 3 खिलाड़ियों पर बनी हुई है। जो पहली मूवी है MS धोनी। MS धोनी मूवी महेंद्र सिंह धोनी कप्तान उनकी बायोपिक है। दूसरी मूवी है अजहर, जो अजहरुद्दीन के जीवन पर आधारित मूवी बनाई गई है। तीसरी मूवी है सचिन अ बिलियन ड्रीम्स। दोस्तों, सचिन अ बिलियन ड्रीम्स मूवी सचिन तेंदुलकर के जीवन पर आधारित बनाई गई है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी क्रिकेट जगत की खबरें लेकर आता रहूँगा।